अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं दूध की ठंडी बोतल, साथ ही हम आपको बताने जा रहे हैं मार्केट जैसी दूध की ठंडी बोतल, क्योंकि हमारी जो मिल्क शॉप है वहाँ पर ये दूध की बोतलें जब बिकती हैं तो इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है इस मौसम में, और ये टेस्टी इतनी होती हैं जब आप इसे अपने घर में बनाएंगे तो आपको बेहद पसंद आने वाली है। तो सबसे पहले हमने लिया है 1 किलो दूध जो कि फुल क्रीम दूध है, और साथ ही हमने लिया है 60 ग्राम चीनी। आप चीनी अपनी मर्जी से घटा बढ़ा सकते हैं, और बहुत ही कम सामान में ये बोतलें तैयार होती हैं और आप इन्हें मेहमानों के आगे भी सर्व कर सकते हैं। और ये लिए हैं हमने काजू, 7 से 8 हमने काजू लेकर, हमने इनको बहुत ज़्यादा क्रश नहीं किया है, हमने इनको छुरी से काटा है, तो सिर्फ काजू ही इसमें जाएंगे। आप अपनी मर्जी से अगर डालना चाहें तो इसमें पिस्ते भी ऐड कर सकते हैं। 2 चुटकी लिया है हमने यहाँ पर हरी इलायची का पाउडर जो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा हमारे दूध की बोतल को, और साथ ही हमने लिया है 4 से 5 धागे लिए हैं हमने ज़ाफ़रान के, कलर तो ये बहुत ही अच्छा देंगे ही देंगे, साथ ही दूध की ताकत को भी ये बढ़ा देते हैं। ज़ाफ़रान जो है वो बहुत अच्छी रहती है हमारे दिमाग के लिए, तो इसे आप अपनी मर्जी के हिसाब से सर्दियों में गर्म दूध में पी सकते हैं, और गर्मियों में आप इसे कुल्फ़ी ठंडी बोतलों में डालेंगे तो ये बहुत अच्छी रहती है। तो सबसे पहले हम जो ये दूध है इसको उबलने के लिए रख देते हैं। तो दूध को हमने उबलने के लिए रख दिया है, पहले इसमें हम लगाएंगे 1 उबाल। दूध की जो बोतल हम बनाते हैं तो उसमें हमें क्या करना है, उसे हमें चलाते रहना है, क्योंकि दूध की बोतल में जब मलाई आती है तो वो अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है। कुल्फी वगैरह होती हैं तो उसमें एक बार तो मलाई अच्छी लगती है, लेकिन दूध की बोतलों में मलाई जब बार बार जबान पर आती है तो वो अच्छी नहीं लगती। तो देखिए दूध में उबाल आने लगा है, और दूध में हमने एक बूंद भी पानी नहीं डाला है, तो हमने अभी इसको मीडियम हीट पर रखा हुआ था, अब इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे ऊपर जो ये दूध आ रहा है तो ये सही से उबलने लगे और ये नीचे हो जाए। तो उबाल आने के बाद इसमें डाल देंगे हम ये चीनी, और इसको चलाएंगे हम ताकि चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। आप दूध को इस तरीके से चलाते रहेंगे तो इसके ऊपर मलाई की लेयर नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात आपको हम बताते हैं कि आप इसमें अगर इलायची का फ्लेवर लाना चाहते हैं तो इलायची यूज़ करें, आप इसमें वनीला का फ्लेवर लाना चाहते हैं तो आप इसमें वनीला एसेंस डाल दें। जो भी फ्लेवर आप डालना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप इलायची की बनाएं, आप रोज़ एसेंस की भी बना सकते हैं, जो भी फ्लेवर आपको अच्छा लगता हो। तो हमारी जो मिल्क शॉप है वहाँ पर कई तरीके की फ्लेवर वाली बोतलें रखी जाती हैं, तो इसलिए हम आपको आज इलायची वाली ही बता रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो इसमें एसेंस डालकर कोई सी भी फ्लेवर की बोतल बना सकते हैं। तो गैस की जो हीट रखी है हमने रखी है मीडियम लो, इस पे हम दूध को लगातार चलाते हुए उबाल रहे हैं। अब इसमें डाल देंगे हम इलायची पाउडर, और इसे उबालते हुए हमें 10 मिनट हो गए हैं, तो ये इसमें डाल दिया है हमने। और अब इसमें डाल देंगे हम ये केसर के धागे, और इसको हम फिर से चलाते रहेंगे 10 मिनट तक, और हीट उतनी ही रखेंगे हम इसकी मीडियम लो। तो देखिए दूध को पकाते हुए मीडियम टू लो हीट पे हो गए हैं हमें 20 से 25 मिनट, और 20 से 25 मिनट में दूध हमारा तकरीबन रह गया है 750 से 800 ग्राम, और काफ़ी गाढ़ा भी हो चुका है दूध। जब हम इस तरीके से हटाते हुए दूध को लेते हैं तो उससे यहाँ जो गाढ़ापन आने लगता है, तो आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी, अगर ये पतला दूध होता तो ये बूंदें जो बहुत देर में गिर रही हैं तो बहुत जल्दी जल्दी गिरने लगती। तो आप यहाँ से देख लें कि दूध काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, और केसर ने अपना काम कर दिया है, बहुत ही खूबसूरत इस पर कलर आ चुका है। तो इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, लेकिन जब हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे तो थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको हम इस तरीके से चला देंगे ताकि इसके ऊपर मलाई की लेयर ना आए। अगर आपको मलाई पसंद है और आप मलाई चाहते हैं तो फिर इसको ना चलाएं, कम चलाएं, तो फिर इसलिए इसे कर देते हैं हम गैस को बंद, और इसे दूध को होने देते हैं ठंडा। नॉर्मल टेम्परेचर पे हमने दूध को बिल्कुल ठंडा कर लिया है, और इसे बीच बीच में हम इसको चलाते रहे थे ताकि इसके ऊपर मलाई की लेयर ना आए। अगर आपको पसंद है, हम फिर बता रहे हैं, तो आप उसको फिर ना चलाएं ज़्यादा। तो देखिए अब हमने लिए हैं साथ ही ये 2 बोतल जिसमें हम ये दूध की बोतल बनाने वाले हैं, और ये काजू जो हमने लिए थे, तो काजू कभी भी आप पकते हुए नहीं डालें। तो अब जो बोतल है उसमें हम इन काजुओं को डाल देंगे जितने हमें डालने हैं। तो जितने काजू आपको डालने हैं बोतलों में इस तरीके से आप डाल दें। हमने ये छोटी बोतलें ली हैं ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बोतलें बन सकें। वैसे ये 200 ml की बोतल है, आप इसको बड़ी बोतल में भी करके रख सकते हैं, या आपको जिसमें भी कन्वीनियंस हो आप उसमें रख सकते हैं। तो अब हम इन बोतलों को भर लेंगे, ये लगाएंगे हम इसके ऊपर ताकि हमारे दूध की बोतलों में से पलटते में दूध बाहर ना निकले। आप अपने हिसाब से इसको पलट सकते हैं, आप किसी गिलास से भी आराम से पलट सकते हैं। तो देखिए तैयार है ठंडी
दूध की बोतल, क्योंकि ठंडा होने के लिए हम इनको रख देंगे अब फ्रिज में, और एक लीटर दूध में चार बोतलें इस साइज की आप आराम से बना सकते हैं। तो जब आप बोतलें बनाकर रखेंगे, घर में मेहमान आ जाए या फिर आपके बच्चों का जब दिल करे, तो आप इस तरीके से निकाल के फटाफट से उन्हें दे सकते हैं। तो अगर आप इसमें, बहुत से लोग अरारोट वगैरह भी डालते हैं जो कि बिल्कुल भी सही नहीं रहता, तो आप जब इस तरीके से बनाएंगे, ये बिल्कुल हमारी दुकान की रेसिपी है जो सही हम बता चुके हैं और बाकी कई बार पहले भी, तो आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएगी। तो ये दूध की बोतलें जो है आप आसानी से काम करते करते भी घर किचन में बना सकती हैं जल्दी से, और हाथ चलता रहेगा इधर, दूसरा आप दूसरी रेसिपी भी ट्राई कर सकती हैं। तो देखिए कितनी आसानी से बनने वाली रेसिपी है और बहुत अच्छी बनने वाली रेसिपी है। गर्मियों में ठंडी ठंडी बोतल इंजॉय कीजिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।